रिव्यू ऑफ टुडेज एग्जाम 2 सितंबर 2023। आज का आइल्स का एग्जाम रीडिंग इजी रही, लिसनिंग आप मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं, राइटिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, टॉपिक तो इजी ही हम कहेंगे। टास्क 1 तो मैप था, लेकिन अगर टास्क 2 की बात करें तो टास्क 2 वाज ऑन एयर ट्रैवल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो बात ऐसी थी कि क्वेश्चन ये था कि एयर ट्रैवल और टेलीकम्युनिकेशन की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना बहुत ईजी हो गया है। तो क्या इस ट्रेंड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हैं, मतलब क्या इसके फायदे नुकसान से ज्यादा हैं? तो बात करते हैं जब एयर ट्रैवल के थ्रू या टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू हम इजीली कनेक्ट हो जाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा है लोग आपस में रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप सबको पता है, आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं, पहले के जमाने में जो जाते थे दे वर नॉट एबल टू टॉक क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। बात कर भी लेते थे तो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, बट आज के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन के जमाने में दे कैन चैट, दे कैन वॉच वीडियोस, व्हाट्सएप कॉल हो सकते हैं, हर तरह के कॉल हो सकते हैं, वीडियोस के थ्रू वो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो जो कनेक्शन है फैमिली मेंबर्स के बीच में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथन होता है, विच इज रियली वेरी गुड। रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर बच्चे गए तो पेरेंट्स कैन नॉट हैव, दे कैन नॉट सी देयर चिल्ड्रन हाउ दे आर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, बट अब तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज आर गेटिंग कनेक्टेड, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। एयर ट्रैवल की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट होती है, टूरिज्म इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब चीजें पॉसिबल हो गई, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट होती है। इकोनॉमी बूस्ट होने की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो इस तरह ये एक एयर ट्रैवल करें या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो ये कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद फॉरेन इंडस्ट्री जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में स्टैब्लिश हो सकती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। I think you understand employment opportunity. Hi Deepika. So employment opportunities generate होती हैं, which is again beneficial for the people as well as for the country. Not only but also का यूज आप जरूर किया कीजिए अपने राइटिंग में, although का यूज जरूर किया कीजिए, despite का यूज, if का यूज, कंडीशनल सेंटेंसेस, when का यूज, ये सब जरूर किया कीजिए, ठीक है। सो दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज, प्रीडोमिनेंट डिसएडवांटेज आता है, दैट कम्स टू दी कल्चर ऑफ अ कंट्री। कल्चरल रैमिफिकेशन इसको कहते हैं। कल्चरल रैमिफिकेशन का मतलब होता है कि कल्चर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितना आप दूसरे कंट्रीज से कनेक्ट होते हैं, कभी कभी आप दूसरे कल्चर से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यू डोंट गेट कनेक्टेड विथ योर ओन कल्चर। तो कहीं ना कहीं कल्चरल रैमिफिकेशन इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है। टूरिज्म डेवलप हुआ, लोग एक दूसरे की देश में घूमने जाने लगे, तो उन्हें अपनी कंट्री की चीजें कम पसंद आने लगी और उन्हें दूसरी कंट्रीज की चीजें ज्यादा पसंद आने लगी, उन्हें कल्चर, अपने कल्चर की बातें कम पसंद आई। तो कहीं ना कहीं कल्चर पर, चाहे फूड की बात ले लें, कपड़ों की बात ले लें, आउटफिट्स की बात ले लें, लाइफस्टाइल की बात कर लें, वो दूसरे ट्रेडिशंस और कल्चर से इतने ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि खुद के कल्चर पर वो उसका इफेक्ट आ जाता है। और दूसरा, कभी कभी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि लोग फिर रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि ठीक है, एक दूसरे से मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज वो सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू बात तो हो ही गई है। तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कंक्लूजन में बात करूं, तो सर्टेनली द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। आउटवे वर्ड यूज कर सकते हैं, आउटशाइन यूज कर सकते हैं, ओवरवे यूज कर सकते हैं। So I think आपके दिमाग में जो भी points हो, you can write it in the comment box. I would love to just watch them and we will discuss upon that afterwards. So I hope your exam went well. Top exam easy गया, writing के topics easy आ रहे हैं, but जब भी आपको writing में if you really want to get good score और fully prepared रहना है, previous exam questions को जरूर 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 study करें. Do like, share and subscribe. I'll every time try that I should come up with a review and hope for the best for every one of you. Do check out our videos on last year exams also. Writing task 2 को thoroughly हमने discuss किया है, so that and you know कि questions repeat होते हैं, exam questions ही repeat होते हैं। तो all the best. Thank you. Have a nice day.